Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth Always Exposes Darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है guys, वो है कैंडिडेट्स ऑन पेपर. और आज की रीडिंग में हम देखेंगे वो जो न्यू मून आने वाला है ऑन 25th of October 2022. उसके बाद आपके पर्सन की फाइनल डिसीजन क्या होगा. करंट फीलिंग्स में तो काफी ज्यादा परिवर्तन हो सकता है आफ्टर द न्यू मून, क्योंकि न्यू मून हमेशा रिप्रेजेंट करता है रीबर्थ को, कनेक्शन को. ठीक है, सो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा, और इस बार है पार्शियल सोलर इक्लिप्स, मतलब सूर्य ग्रहण भी है और अमावस्या भी है, तो कहीं ना कहीं पे बहुत जोरदार चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें, इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा. यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फॉर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में और तहकीकात करने के लिए और जानने के लिए सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, फरेबी क्या हो रहा है, धोखा क्या हो रहा है, इसके बारे में डिटेल्स में जानने के लिए जरूर देखिए द चैनल ऑफ आदित्य सैनी, हु इज वन ऑफ द रेपुटेड यूट्यूबर्स ऑफ इंडिया. ठीक है, उनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है. दिस इज नॉट अ स्पॉन्सरशिप और पेड प्रमोशन, नथिंग, ताकि मैं आपके तरफ सच्चाई को दिखा सकूं, दैट इज वन वे. ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कीजिए. न्यू मून काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस बार, क्योंकि इस अमावस्या के साथ साथ यहाँ पे सूर्य ग्रहण भी होगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है. इस बार न्यू मून भले स्कॉर्पियो में है, बट कहीं ना कहीं पे ये इफेक्ट करेगा हर एक ज़ोडियक साइन को. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस. यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन. कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में उनके पार्टनर्स का क्या फैसला रहेगा आफ्टर दिस न्यू मून. ऑलरेडी मैं एक न्यू मून का रीडिंग दे चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं, आई बटन पे लिंक होगा. यहाँ पे जो शोर हो रहा होगा वो धमाका हो रहा है, अभी दिवाली सेलिब्रेशन आ रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे नज़र में आते हुए दिखाई दे रहा है. टू थिंग्स आर ओवरलैपिंग. तो यहाँ पे मुझे एक तरह का, जिस तरह से बटरफ्लाई को अगर आप इमेजिन करो, बटरफ्लाई तो मिडिल से ज्वाइन रहता है ना, यहाँ पे मुझे इस तरह से दो आत्माएं, दो शरीर यहाँ पे मिलन होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, सो आई डू फाइंड लाइक दैट. यहाँ पे मुझे इस तरह से पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है, आपके पर्सन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऐशो आराम, ठीक है, लग्जरी का हो सकता है कि वो बहुत बहुत ही आराम कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, लेकिन उसमें उन्होंने देखा कि जितना पैसे को रोजगार किया जा सकता है उतना ही वो चीज़ टेंशन लेके आते हैं. ठीक है, ज़िंदगी में डर लेके आते हैं, इनसिक्योरिटी लेके आते हैं, कहीं ना कहीं पे फेम, नेम, रेपुटेशन, ठीक है, लोग हैंडल नहीं कर सकते. और इस वक्त मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर को अगर प्रमोशन भी मिला है या इनके लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा भी चल रहा होगा, तभी भी इनके पास इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है. किस तरह का इनसिक्योरिटीज़, कि मेरा ये जो पैसा है, मेरा जो रेपुटेशन है, क्या ये लाइफ लॉन्ग तक चलेगा, क्या ऐसा ही होगा, क्या बार बार मुझे यहाँ पे इस तरह से मिलता रहेगा, कंटिन्यूस फ्लो होता रहेगा क्या पैसे का, क्या कभी इसमें प्रॉब्लम्स तो नहीं होगा ना, मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा ना. इस तरह से उनका जो है ना, इवन उनका अगर नाजायज रिश्ता भी था किसी के साथ, अगर इल्लीगल रिलेशनशिप्स भी थे, तो भी ये सोच रहे होंगे कि नो, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट लीगल. जब तक वो चीज़ लीगल नहीं होता तब तक वो सही नहीं है, कभी भी किसी भी वक्त डेंजर आ सकता है. तो उनको पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है कि जब भी वो कुछ हटके काम करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे उनको इतना क्यों डर लगा हुआ रहता है, और उस चीज़ को शेयर करने के लिए वो उनको कोई भी नहीं मिलता है. Now, मैंने यहाँ पे एक डेटिंग वाला साइड, मतलब डेट्स वाले टेबल्स रखे हैं जहाँ पे कपल बैठेंगे, ताकि आपकी ज़िंदगी में वही मैनिफेस्ट हो. ठीक है, सो आई डू फाइंड कि आपके पर्सन यहाँ पे इस तरह से देखो, इनके कान, अच्छा आपके पर्सन के कान बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं ना बाहर की तरफ. ठीक है, आपने देखा होगा कि मिस्टर आमिर खान की जो ईयर्स है ना,
बाहर की तरफ है, मतलब थोड़ा सा बड़ा बड़ा होता है, तो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, पता है, उस तरह के कान अगर है आपके पर्सन के, या इस पर्सन की लिसनिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये सुनते ही सिर्फ नहीं है, उस चीज़ को एनालाइज भी करते हैं। बट कहीं ना कहीं भी मुझे पता नहीं क्यों अभी लगने लगा है आपके पर्सन जिस तरह से ना एक मॉन्क, मतलब जिस तरह से आपके पर्सन को दिख रहा है कि एक सिंपल लाइफ जीने से ही बेहतरीन जीवन का आप इंजॉयमेंट कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल वे में भी जिया जा सकता है। मुझे पता नहीं क्यों आपकी पॉजिटिविटी, ठीक है, आपके सोचने का जो मतलब नज़रिया है बदल चुका है, और ये कहीं ना कहीं पे उनके ऊपर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो हैट्स ऑफ टू यू कि आपके चेंज होने के वजह से इनके भी, ठीक है, फितरत में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको इस रीडिंग के बाद काफ़ी ज़्यादा होली क्रॉस मतलब प्लस सिंबल्स आपको दिख सकते हैं। दूसरा है आपको कोई भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे पत्थर, स्पेशली वाइट स्टोन या रेड स्टोन आपको दिख सकता है, या आप अपने फिंगर्स पे कुछ मतलब पत्थर पहने हुए हो, मतलब कीमती कुछ आप पहने हुए हैं आपके उंगली में, कुछ रिंग फिंगर्स हो सकते हैं, शायद एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन अनुसार आपने पहना हो, या आपने कोई क्रिस्टल खरीदा हो, इस तरह से भी हो सकता है रिलेशनशिप को रेक्टिफाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके सोच में परिवर्तन की वजह से कहीं ना कहीं पे आपके पार्टनर का भी सोच में परिवर्तन आया है। इनको रियलाइजेशन होना शुरू हो गया है कि वो जो मतलब जिस तरह से बोला जाता है ना फ्लैशी लाइफस्टाइल, कहीं ना कहीं पे चमक धमक लाइफस्टाइल भी अच्छा नहीं होता है, सिंपल जीने में भी बहुत मतलब सादगी, जिस तरह से सात्विक डाइट लेने से, ठीक है, सात्विक खाना खाने से हम लोग अपना टेम्पर को कंट्रोल कर सकते हैं, और जितना मांसाहारी हम खाना खाएंगे वो भी चॉइसेस होते हैं, मांसाहारी खाना खाएंगे, जितना भी हम तला हुआ चीज़ खाएंगे, स्पाइसी फूड खाएंगे, उतना ही प्रॉब्लम्स होगा। तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन ने शायद अपने डाइट को चेंज किया है, फिटनेस फ्रीक हो चुके हैं, सो ये अपने आप को रेक्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपके साथ वो पजल को कंप्लीट करना है। पजल को कंप्लीट करना मतलब वो तस्वीर को फाइनली आपके साथ बिल्ड करना है, मतलब जो बिखर गया था उसको रिपेयर करना है। ओके, आई कैन फाइंड इट लाइक दैट। मुझे लग रहा है आपके पर्सन आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ स्वीट्स खिलाते थे, कैंडीज, चॉकलेट्स या आइसक्रीम्स, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हो रहा है, कुछ रैपर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, चॉकलेट रैपर्स दिख रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कुछ अच्छा ही चल रहा था, अचानक सब कुछ यहाँ पे देखो, इट्स लाइक द हैंग्ड मैन कि जहाँ पे सब कुछ उल्टा जाना शुरू किया, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके साथ इस पर्सन की न्यू रिलेशनशिप है तो ये आपके तरफ पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप उनके क्रश बन चुके हो, आपके आपके एक झलक मिलते ही उनके दिल जो है ना गार्डन गार्डन हो जाता है, इस तरह से अगर आप रिसेंटली मिले हो। बार बार यहाँ बार बार आप खुद ही देखो, यहाँ पे बटरफ्लाईज आ रही है, आप तितलियाँ बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, रंग बिरंगे तितलियाँ आप बहुत ज़्यादा देख सकते हो। ओके, सो आपको डेफिनेटली ये साइन ज़रूर मिल रहा होगा कि आपके जीवन में, ठीक है, एक्सपेंशन ग्रोथ तो है ही, लेकिन आपको उस चैलेंज का भी सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। मुझे लग रहा है आपके पर्सन कुछ मैनिपुलेटिव गेम्स भी खेल सकते हैं आपको अपने तरफ खींचने के लिए, शायद उनको पता है कि सिंपल वे में तो आप इनके पास आओगे नहीं, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या ब्लॉक सिचुएशन पे हैं, या ये इंसान ऐसा चाहते हैं कि उनको कोई इनिशिएटिव ना लेना पड़े, तो ये कुछ मैनिपुलेटिव या कुछ इस तरह का भूल भुला या कुछ खेल सकते हैं गेम्स, जहाँ पे आप इनके पास आके समर्पण करो, ये चाहते ही है कि आप समर्पण करो हथियार डाल दो इस तरह से। ओके, इट्स लाइक दैट। तो आपके पर्सन की कुछ फितरतें हैं, ठीक है, ये इंसान जो है चाहते हैं कि आप इनके पास वापस आ जाओ, एंड ताकि वो भी आप अपना दिल का हालत आपके पास से शेयर कर पाए। यहाँ पे मुझे फ्लाइट भी नजर आ रही है, जिस तरह से डाउन फ्लाइट मतलब डिपार्चर नहीं, अराइवल हो रहा है, मुझे लग रहा है आपके शहर में, आपके सिटी में शायद ये रिसेंटली आए होंगे, रिसेंटली बाय फ्लाइट आए होंगे, मुझे दिख रहा है।
इनको अपनी जिंदगी में आजादी चाहिए था, इतना कंट्रोलिंग नहीं चाहिए था, तो इसलिए ये आपके साथ उस रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पाए जिस तरह से आप इस रिलेशनशिप को चाहते थे कि मेरे पर्सन मुझे कॉल करे, एटलीस्ट मुझे देखे मैं कहाँ पे पहुँचा हूँ, मैं कहाँ पे पहुँची हूँ, ठीक है मैं खाना खाया हूँ कि नहीं, ये मुझे पूछे। लेकिन आपके एक्सपेक्टेशन अनुसार ये बरोबर जो है ना, ये काम नहीं कर पाए। एंड दिस पर्सन, चाहे वो ही हो और शी हो, ही और शी हैड फेल्ड टू डू दैट। ठीक है, देखते हैं आफ्टर दिस न्यू मून इस पर्सन के अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं। सो व्हाट्स चेंजेस कैन कम आफ्टर दिस न्यू मून, व्हाट आर द चेंजेस दैट कैन हैपन आफ्टर दिस न्यू मून। इस अमावस्या के बाद, इस ग्रहण के बाद क्या चेंजेस आ सकता है, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। यहाँ पे मुझे स्कॉर्पियो, यहाँ पे मुझे टॉरस, यहाँ पे मुझे वर्गो, यहाँ पे मुझे कैंगारू नज़र में आ रहा है, किस तरह से ना, इस तरह से माथा हिलाते हुए। एनीवे आई कैन सी लॉट्स ऑफ बी 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 बी, आपके पर्सन की इनिशियल हो सकता है, या यू या टी या एस या पी हो सकता है, ए हो सकता है, एल हो सकता है एंड के हो सकता है। आपके पर्सन यहाँ पे देखो, एक स्नेक आया है यहाँ पे, स्नेक आया है यहाँ पे। सो स्नेक इज ऑलवेज विच मीन्स दैट शेडिंग ऑफ द स्किन। ठीक है, तो ये पर्सन की जो फितरत है या इस पर्सन की जो भेस है, मतलब एक्चुअल जो इनकी साइड है, वो आपको नज़र में आएगा आफ्टर द न्यू मून। ये अपने हकीकत में, ठीक है, असली वाला जो इमेज है वो आपको दिखाएंगे, एंड जो इतना दिन से छुपा रहे थे वो शायद वो ऑफकोर्स आपके सामने रिवील करेंगे, मतलब प्रकट करेंगे कि क्या है वो एक्चुअली में। यू आ रहा है और यहाँ पे देखो एक चंद्रमा जैसे भी कुछ आ रहा है, वो चंद्रम कला वो वाला बिंदी भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, सो लेट मी सी, लियो टॉरस एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, क्या आपके पर्सन की साइन हो सकती है? आपके पर्सन एवरेज टू टॉल हाइट है। आपके पर्सन की लेग्स, मतलब पैर बहुत ज़्यादा चलते हैं, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा दौड़ भाग करते हैं मुझे दिख रहा है, या एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा करते हैं, या जिस तरह से स्टेयरकेस यूज़ करते हैं, लिफ्ट नहीं करते, आपने देखा होगा शायद। ओके, सो व्हाट विल दिस पर्सन, मुझे पता नहीं यहाँ पे क्यों इस तरह से महसूस हो रहा है कि जब भी मैं कैंडल ड्रॉप दे रही हूँ, वो गोल 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 आकार ले रहा है, मतलब इट्स लाइक द वर्ल्ड कार्ड व्हिच इज फॉर्मिंग। आप खुद देखो, यहाँ पे हार्ट शेप होते होते गोल हो गया, मतलब कि है क्या है कि द वर्ल्ड इज ऑलवेज राउंड, राइट, इट्स अ सर्कुलर, तो जो गया है वो वापस आएगा। सो व्हाट कम्स अराउंड व्हाट गोज अराउंड व्हिच कम्स अराउंड, राइट। सो कहीं ना कहीं पे आपके जीवन में रिकंसिलिएशन इस पर्सन के साथ तय है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो ये हो गए रहेगा डेफिनेटली। विद इन एट डेज यू विल कम टू नो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ। 8 दिन के अंदर या 8 घंटे के अंदर, 8 महीना मैं नहीं बोलूँगी, हो भी सकता है, बट आई डू फाइंड 8 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, 888 हो सकता है इम्पॉर्टेंट है। न्यू मून के बाद ही आप काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर परिवर्तन देख के ना शॉक्ड हो जाओगे, क्योंकि इतना ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है कैसे, ठीक है। सो व्हाट इज़ द फाइनल डिसीजन आफ्टर द न्यू मून, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। सोलर इक्लिप्स के बाद आफ्टर द न्यू मून व्हाट इज़ द फाइनल डिसीजन ऑफ दिस पर्सन। टू बिल्ड अ ब्रिज, यहाँ पे देखो एक ब्रिज जैसा बन रहा है, टू बिल्ड अ ब्रिज, ठीक है, एक दोनों के साथ जो ब्रिज क्या करता है, सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और ताकि रेलवे उसमें से जा पाए, लोग जा पाए, दोनों अलग अलग शहरों को भी कनेक्ट कर सकते हैं, विद इन द सिटी भी कनेक्ट होता है, ठीक है, स्टेट टू स्टेट भी कनेक्ट होता है, तो ये अलग अलग राष्ट्रों को, ठीक है, अलग अलग देश को भी जोड़ता है। कभी कभी आप देखे होंगे छोटे छोटे जो देश होते हैं ना आसपास, उसको भी जोड़ता है, तो कहीं ना कहीं पे ब्रिज इज ऑलवेज अ कनेक्टिंग मीडियम।
जो फासला आप दोनों के बीच में आया है या अभी भी थोड़ा सा शाई है ये इंसान, अगर आप न्यू मिले हो इनको, तो ये फासला जो है वो मिटेगा जरूर। एच लेटर इज इम्पोर्टेंट। उनके लिए उनका घर बहुत ज़्यादा कीमती है, मतलब उनके घर में ही उनको रिलैक्सेशन मिलता है, तो आप उनके लिए उनके घर हो जहाँ पे उनको सुकून मिलेगा, क्योंकि वो इंसान अभी ना फेडअप हो चुके हैं इतना ज़्यादा चमक धमक की दुनिया से, वो और नहीं रहना चाहते आपके साथ, वो सिंपल लाइफ को जीना चाहते, लाइफ को कैसे एंजॉय करना है वो आपसे सीखना चाहते हैं, एंड दे वांट टू डिस्कस मेनी थिंग्स, यू नो व्हाट, फ्यूचर के बारे में ये और डिस्कस करना चाहते हैं। आई डू फाइंड कि ये पर्सन, ये ट्विन फ्लेम्स बहुत, मुझे बहुत ज़्यादा सिम्बॉल्स आ रहे हैं ट्विन फ्लेम्स का। आई डोंट नो वेदर यू आर लाइक दैट और नॉट, दोनों की सोल पर्पस एक होता है वो मुझे दिख रहा है। सो आई डू फाइंड लॉट्स ऑफ चेंजेस इन दिस। नाउ लेट मी सी कि आपके पर्सन आफ्टर दिस न्यू मून या सोलर इक्लिप्स के बाद क्या करने वाले हैं। सो लेट मी सी, लेट मी फाइंड आउट। यहाँ पे है नो, देखो अभी अभी घर का बात किया नहीं, नो प्लेस लाइक होम। देखो 50, जितना घर इम्पॉर्टेंट है उनके लिए उतना ही जगह आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो, जस्ट लाइक द फोर ऑफ वैंड्स। चार दीवार बनते ही घर बनता है गाइस, ठीक है। ट्रेजर आइलैंड, आप उनके लिए बहुत कीमती हो, बहुत कीमती, ठीक है। सो यू हैव टू एग्री ऑन दैट। डीप नोइंग, वो आपको और जानना चाहते हैं। यहाँ पे देखो स्टार्स है, 43 नंबर है। डीप नोइंग 43, 50 एंड 9 कैन बी इम्पॉर्टेंट। वो आपके बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं कि आप इतना ज़्यादा, ठीक है, आप मतलब वो आपको ना हमेशा मिस्टीरियस समझते हैं कि आपके अंदर कुछ ना कुछ रहस्य है जिसको हमेशा रिवील करना चाहिए। मतलब आपके कोई भी एक्ट हो, चाहे आप कुछ लिखते भी हो, तभी भी उनको दिखता है कि उसमें से कुछ सुराग मिल जाएगा इन्वेस्टिगेशन पर। लेग अप, लेग अप, देखो लेग्स की भी बात किए थे हमने, तो ये ऊपर चढ़ के आपके ऊपर आना चाहते हो। ओके, सो दे वांट केयर एंड अटेंशन फ्रॉम यू, ये आपसे अटेंशन भी चाहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस हैप्पी एंडिंग ऑफ कोर्स। आज का जो रीडिंग हुआ काफ़ी अच्छा हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें, इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइज, बाय।